अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? जी मैं मंडी बाउदिन से और वैसे इंग्लैंड से। जी आमिर खाजमी साहब, आपने अपना नाम बताया, आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं अपने वोट के हक के लिए? जी वोट के हक के लिए ये कहना चाहते हैं कि हम बेसिकली पाकिस्तानी हैं, हमारा विरसा, हमारा इकदार, सब कुछ जो पाकिस्तान से, हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हम कभी भी वहाँ के ओवरसीज होने के बावजूद हमारी फैमिलीज, हमारी रूट्स पाकिस्तान में है और हम कभी भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ते। इसका आप ये देख लें कि पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त जो सारा कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कौन इसमें बड़ी रुकावट कौन है? सर अपोजिशन बड़ी रुकावट है, उसकी एक वजह ये है कि इनका जो खौफ है वो बिल्कुल बजा है, क्योंकि जो वोट ये यहाँ पे बिरयानी की प्लेटों पे लेते हैं, इन्हें पता है कि ओवरसीज़ जो हैं वो बिरयानी की प्लेटों पे नहीं बिकेंगे। ये इनका खौफ जो है, ये इनका बिल्कुल बजा खौफ है। तो अब आप उनसे भी कोई बात कहेंगे, अपने जो हमारी इस पार्लियामेंट के अपोजिशन लोग हैं उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे? जी जाहिर है जी, उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि अगर 90 लाख पाकिस्तानी वोट है तो उनमें उनके अपोजिशन के लोग भी हैं, वो उन अपने लोगों का भी हक मार रहे हैं। अगर उन्हें वोट का हक देंगे तो वो ऑब्वियसली अपनी मदर पार्टी को वोट देंगे, उनका भी फ़ायदा है। ये एक जमहूरी है, जमहूरी अमल है। अगर किसी एक जमात को, हुकूमती जमात को अगर वोट मिलता है, अपोजिशन को भी मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। ये नहीं है कि सारे का सारा वो 90 लाख वोट इसी हुकूमत को मिलेगा, इनको भी जमहूरी है, जमहूरी अमल है, तो ये अपना भी नुकसान कर रहे हैं। आज जो एहतजाज हो रहा है इसको आप लीड कर रहे हैं, क्या स्पिरिट है सर? देखें, कोई भी बंदा जब अपने हक की जंग लड़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मोराल हाई होता है। वो हम अपने हक की जंग लड़ रहे हैं और हमारा तो जैसा तैसा गुजर गया, हमने अपने बच्चों के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं कि ये मुल्क जिससे हम इतनी मोहब्बत करते हैं, ये मुल्क जो आज ओवरसीज़ के बलबोते पे खड़ा है, इस मुल्क से हम अपने वोट का हक लेना चाहते हैं और जो इसमें रुकावटें खड़ी कर रहे हैं उनको हम खबरदार करना चाहते हैं कि खुदारा ओवरसीज़ के साथ ऐसा सलूक मत करें। शायद राजा साहब आप इसको लीड कर रहे हैं, इससे इस एहतजाज से पहले क्या आपने ये कोशिश की कि आप अपोजिशन पार्टियों से मिलें, इलेक्शन कमिश्नर से मिलें, ताकि उनको अपने जज्बात से आगाह करें? देखें, मैं पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ड्यूल नेशनल राइट कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, जिसका बेस न्यूयॉर्क में है। वहाँ से मुख्तलिफ पार्टियों से भी हमने मुलाकात की। इस बिल के असम्बली में पेश होने से पहले बाबर अवान साहब से मैंने मुलाकात की, स्पीकर असद कैसर साहब से मिले और हमने अपने तहफ़ दिए। जो रुकावट है सर, मैं आपको बताता हूँ, जो इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोशिश की, जो इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़ की बुनियाद रखी, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इसमें अब जो रुकावट है, रुकावट सियासी जमातें नहीं हैं, रुकावट चंद सियासी लोग हैं जिनको ये शुबा हो रहा है कि शायद ओवरसीज़ उनके ख़िलाफ़ वोट इस्तेमाल करेंगे। ये ओवरसीज़ जो आज इकट्ठे हुए हैं, इनका मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ है। हम किसी सियासी पार्टी से ख़िलाफ़ नहीं, हम उन सियासी लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो ओवरसीज़ के ख़िलाफ़ बुगज़ रखते हैं और जिनको ये शक है कि शायद ओवरसीज़ उनको वोट ना दें। लेकिन आज मैं आपके तवस्सुत से ये बताना चाहता हूँ कि ओवरसीज़ हमेशा उस शख्स को वोट नहीं देंगे जो करप्ट होगा, जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। ओवरसीज़ हमेशा अपना वोट जो है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सर, ये क्या वजह है कि आपने 70 साल बाद अचानक ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई जोश, खून ने जोश मारा है, ये किसकी क्या वजह है? देखिए, गुज़श्ता 3 दहाइयों में बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो दयारे गैर में मजदूरी के लिए गए, समझी बात। पहले इतने कसीर तादाद में लोग बाहर नहीं थे और आज आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तानी इकानमी जो है वो भी ओवरसीज़ के बलबोते पर खड़ी हुई है। ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए एक ऐसी मईशत है जिस पर इनका एक पैसा भी खर्च नहीं होता, एक पैसे की भी सरमायाकारी नहीं है। तो ओवरसीज़ जो है वो इंशाअल्लाह ताला अपने इस हक से कभी पीछे नहीं हटेंगे, जो मुल्की मईशत को और मुल्की सियासत को भी पाँव पर खड़ा करेंगे। ओके, अच्छा सर, पार्लियामेंट का काम कानून साजी होता है, उसमें कुछ सियासी जमातें जो देखती हैं कि शायद उनके लिए ये एक थ्रेट होता है तो वो मुखालफत करते हैं, तो कोई बात समझ में आती है। लेकिन वो इदारे जिनका जो न्यूट्रल होते हैं और उनका काम होता है कि वो राइट्स की बात करें और लोगों को फैसिलिटेट करें, वो भी कोई रुकावट कर रहे हैं? जैसे आज आप इलेक्शन कमीशन के बारे में खड़े। देखें, अभी इलेक्शन कमीशन का इम्तहान असल तो उस वक्त होगा जब बिल सेनेट से पास होकर कानूनी शक्ल बनकर इलेक्शन कमीशन में आ जाएगा। तो जो मुझे महसूस हो रहा था कि इलेक्शन कमीशन भी छोटे मोटे तहफ़ुज़ात का इजहार कर रहा था, तो हमारा आज आने का ये मकसद है कि हम इन सियासी लोगों को, इन अदारों को
खबरदार करें कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये मुहिब वतन लोग हैं, इनके वोट देने और लेने से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जी अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। आज आपका यहाँ पे इकट्ठे होने की क्या वजह, क्या जज्बा लेके आए हैं आप? हम सिर्फ एक ही, अपना नाम बताएं। मेरा नाम लियाकत अली मांगट है, मैं सऊदी अरब से बिलोंग करता हूँ। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ इस सिलसिले में हाज़िर हुए हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, क्योंकि यही वो इदारा है जिसने आखिर में आके पूरे मामलात करने हैं। इन्होंने 22 शिकें वापस भेजी हैं इन्होंने कि हम ले तो लहर से ये काम कर रहे हैं कि ये मसला है, ये मसला है, हम नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? आज इस जमाने में भी कुछ नहीं हो सकता, फिर कब होगा? अच्छा मान साहब, पार्लियामेंट के किरदार को किस तरह देखते हैं? पार्लियामेंट के किरदार में जो इमरान खान ने हमारे दर्द को समझा है, उन्होंने एक बिल पास किया है और उसमें अपोजिशन जमातें जो हैं वो उसमें कुछ लोग जो हैं रोड़े अटका रहे हैं। यकीन माने हमारा किसी सियासी पार्टी के लिए ये चीज़ नहीं है कि ये बुरा है ये अच्छा है। हम ये चाहते हैं कि हम 90 लाख लोग हैं, आप समझिए, अगर एक 90 लाख आबादी जो है वो एक हक से महरूम है जो उसका बुनियादी हक है जमहूरियत में, हम जमहूरियत को इनसे बेहतर जानते क्यों? हमने ये जमहूरियतें देखी हैं। हम तरक्की को इनसे बेहतर जानते क्यों? हमने लोगों में तरक्की देखी हुई है। हम जो मेरिट है इनसे बेहतर जानते हैं कि हमने मेरिट देखा हुआ है। इन्होंने क्या देखा हुआ? इन्होंने तो करप्शन देखी हुई है, इन्होंने तो गली नाली देखी हुई है। हमने आप मंडी बॉल दी ना है, मैं आप मीडिया को दावत देता हूँ, आप जाके देखें, हमने शायद रजा रांझा की क़यादत में कम से कम 500 आर ओ प्लांट लगाया है। पानी हमारा अभी सबसे अच्छा पानी अभी मांगट इधर है अपने मंडी बाउदी में। इसके अलावा 500 बेरोज़गार लोगों को हमने रोज़गार के सिलसिले करके दिए, तकरीबन इससे अब तक 70 लोगों को दुकानें किराने की। ओके मांगट साहब, आप समझते हैं कि आज के एहतजाज का कोई फ़ायदा होगा कि ये भी एक देखें, ये हमारा जमहूरी हक है। आज हम इन पार्टियों को एहतजाज भी सिखाना चाहते हैं। ये हमारे ये सिक्योरिटी के लोग खड़े हुए हैं, ये हमारे भाई हैं, इनको सलूट है। आप मीडिया खड़े हों, कुछ चीज़ तोड़ी है, हम ये बाटल भी नीचे नहीं फेंकेंगे। हम समझते हैं निस ईमान है, हम उस माशरे में हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी हुई। सर हम इसलिए आए हैं शायद रजा रांझा साहब की इजाज़त कि हमारा जो वोट का हक है वो हमें दिया जाए। जो हम उधर से पैसे लेके आते हैं वो तो इनको सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें जो वोट का हक है वो इसलिए कहते हैं कि जी हम नहीं, ये अच्छा नहीं है। अच्छा जुल्कारानी साहब, ये बताएं कि रुकावट कौन है? रुकावट ऐसी ऐसी जमातें जो भी रुकावट कर रही हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारा हक हमें दिया जाए और ये हमारा जायज़ मुतालबा है। कोई हम ज्यादती नहीं कर रहे गवर्नमेंट से या किसी अपोजिशन जमात से, हम अपना हक ले रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। तो मैं साउथ अफ्रीका की अपनी तंजीम की तरफ से अपना हक मांगने इधर आया। तंजीम के कितने मेंबर हैं साउथ अफ्रीका में? जी बहुत सारे मेंबर हैं हमारे, अपना साउथ अफ्रीका टीम दे सारे भाई असी इकट्ठे आए हैं। अच्छा। और भी काफ़ी इतने जड़े हैं ना, मसलन है खब्बे सज्जे हुए जी हाँ, तो जकाउल्ला वड़ैच साहब नो जनाब जी, अगे फिर अपना नईम साहब ना उज्जन साहब। हमारा एहतजाज ये है कि हमारा जितने भी उधर ओवरसीज होते हैं भाई, उधर भी हमें इनके जमहूरियत की ज़रूरत है, इकट्ठ की ज़रूरत है। जब इधर जमहूरियत अच्छी नहीं होगी, इस जमहूरियत में हमारा हिस्सा नहीं है, तो हमारी उधर क्या जमहूरियत बनेगी? उधर हमारा पाकिस्तानियों का वसीज़ का इकट्ठ क्या होगा? जो उधर मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे, यकजहती नहीं होगी, तो उधर भी हमारे प्रॉब्लम उधर ही खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। एहतजाज का ये मकसद है कि हम जितने भी उधर ओवरसीज़ में पाकिस्तानी रहते हैं, हमको अपने मुल्क में वोट देने का हक होना चाहिए और हम अपने जरा ख्याल। आप स्पेशल इस एहतजाज के लिए आए हैं या वैसे छुट्टियां? हम स्पेशल जो है एहतजाज के लिए आए हैं साउथ अफ्रीका से। इतना आपको वोट डालने का शौक है या कोई और आपकी स्पिरिट है? डालने का शौक भी है, या हमें हक है, वोट डालने का शौक नहीं है, हमें डालना चाहिए। और हमारा ये मकसद है कि हम जितने ओवरसीज हैं, हमारी कोई भी बात नहीं सुनता, हमें बहुत सारे मसायल हैं। आपको हर तरह से नुमाइंदगी होनी चाहिए, आप भी अपने मुल्क से प्यार उतना ही प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया। हम अपने हक के लिए निकले हैं और हक के लिए तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें हक नहीं मिलता, क्योंकि हम इस मईशत की, पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। हम इनको रेमिटेंस देते हैं, हमारे ऊपर इनके मुल्क के जो है वो निसार है, हमारे डॉलर पाउंड दिरहम मिलने को चाहिए, हमें वोट का हक क्यों नहीं देते? अच्छा सर ये बताएं कि अभी चले वोट का आपको मिलना चाहिए, वैसे अगर आप देखते हैं तो इस हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे, कुछ बेहतरी आई है या कि अभी हालात वैसे ही हैं? इस हुकूमत ने हमारे लिए बेहतरी का सोचा है और हमें हमारे लिए पार्लियामेंट से पास करवाया बिल ओवरसीज को वोट के हक के लिए, और अभी ये जा रहा है सेनेट में, वहाँ पे कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं, ज़ाती तौर पे कुछ हमारी मुखालफत कर रहे हैं जो ख़ुद ओवरसीज़ हैं, और जो यहाँ पे प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें से 40% कमीशन खाते हैं, वो हमारे पैसों से होता है। अच्छा अच्छा आपने ये कोशिश नहीं की कि इस एहतजाज से पहले एक वफ्द बनाते जो सारे लोग बाहर से आए हैं, आप अपोजिशन वालों से मिलते, अपोजिशन लीडर से मिलते?
मगर हमें पता चला है कि यहाँ से पहले इलेक्शन कमीशन से कुछ रुकावटें आ रही हैं, ये लोग वो उनकी नहीं मान रहे पार्लियामेंट के जो उन्होंने पास किया है, और उसके बाद वहाँ पे भी सेनेट में भी हमें शक आया है कि मतलब वहाँ पे भी कुछ अपोजिशन हमारी जो मुखालफत कर रही है। ये बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो तो न्यूट्रल होता है, आपके ख्याल में इसकी मुखालफत की क्या वजह है? ये तो अभी उनको पता है कि अभी आपका ख्याल क्या है? नहीं, हमारा ख्याल यही है ना कि वो न्यूट्रल हमने महसूस किया तो हम यहाँ एहतजाज के लिए आए हैं, वो न्यूट्रल नहीं है, वो उनकी तरह ना किधर फेवर कर रहे हैं, वो ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगने दे रहे हैं और ना ओवरसीज को वोट का हक दे रहे हैं। 90 लाख पाकिस्तानी बाहर है, 9 मिलियन लोग थोड़े से नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग अपने हक के लिए यहाँ आए हैं। हम सबको मतलब वज़ीर आज़म साहब को, इनको और सबको, पार्लियामेंट तक भी हम लोग इन सबको एप्लीकेशन दे रहे हैं। मैं कनाडा से शहर टोरंटो से बोल रहा हूँ। टोरंटो से आए हैं आप खास तौर पे इस एहतजाज के लिए या अपना हक हासिल करने के लिए? हमारा अपना हक लेने के लिए है कि हम लोग इस पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं। ये मेरा बेटा है, ये वॉज सिटीजन इन कनाडा, लेकिन ये यहाँ मरी में पढ़ता है, और हम बच्चों को भी यहाँ शिफ्ट करते हैं कि हमारा वो मुल्क है, हमें इससे मोहब्बत है, हमारी ये पहचान है, और हमारी जितनी भी हम जितनी मेहनत करते हैं वो सारा पैसा हम पाकिस्तान को भेजते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं वो मानते भी हैं कि आपके पैसे से, रेवेन्यू से पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। और ये लोग जो हमारी वोट का मुखालफत कर रहे हैं, जिस सिलसिले में हम यहाँ हाजिर हुए हैं, कि ये लोग हमारे पास जाते हैं, इनके जलसे करते हैं, हमारी ये गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, हमारी ये प्रोटोकॉल देते हैं, प्रोटोकॉल वगैरह वगैरह करते हैं, और वहाँ हम लोग बहुत अच्छे हैं इनके लिए। वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, इवन तरीके इंसाफ क्यों ना हो, इनके भी जो लीडर पार जाते हैं वो भी क्यों ना हो, ये हमें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब हम वोट की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के बारे में जानते नहीं हैं। अच्छा, आपके ख्याल में क्यों ये इग्नोर क्यों कर रहे हैं आपको, ये राइट देने से क्यों लातोलाल से काम ले रहे हैं? मेरे ख्याल में ये पहली बात यह है कि जो ओवरसीज़ वाले हैं वो मोहब्बत करने वाले हैं, वो करप्ट नहीं होंगे, और जब इनके साथ वो बैठेंगे तो प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट वो सवाल भी करेंगे और जानते भी हैं कि किसको वोट दे रहे हैं, वो मालूम रखते हैं, वो शौर रखते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट का निज़ाम वो देख रहे हैं, तो वो सवाल भी करते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये भी समझते हैं कि अगर ये मैदान में आ जाएंगे, ये लोग सरमाएदार भी हैं। क्या आपके किसी नुमाइंदा वफ़ ने जाके अपोजिशन पार्टियों से बात की है, उनके नुमाइंदों से बात की है, उन्हें कन्विंस करने की बात की है, या उनकी भी बात सुनी है कि उनकी इस सिलसिले में ऐसे क्या तफजात हैं कि वो इसमें रोड़े अटका रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले आपको बताते चलो, आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं जब से ये कंपेन शुरू हुई है। हमने उस दिन से जनाब एहसन इकबाल साहब को एक लीगल नोटिस सर्व किया हुआ है कि उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तानियों, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ज़ुबान इस्तेमाल की है, जिस तरह उन्होंने डिफेम किया है, हमने उनको लीगल नोटिस भेजा हुआ है, अभी तक हमें कोई रिप्लाई नहीं आया, और हम इंशाल्लाह अब देखेंगे, अगर 5 दिन तक उनका रिप्लाई नहीं आता तो हम प्रॉपर उनके खिलाफ जो है एक सूट फाइल करेंगे। और सेकंडली ये है कि हमने सभी को, अपोजिशन लीडर को, चेयरमैन सेनेट को, सभी को अपनी एप्लीकेशन मूव की हुई है, अभी तक हमें कोई बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि अक्सर प्रॉब्लम क्या है, अगर तो आपको पैसे चाहिए हो तो पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करने के लिए आपका सबसे पहला नारा होता है कि जो ओवरसीज़ हमारी मदद करें, और आप ये भी कहते हैं कि जितने डॉलर हमें भेज रहे हैं ये हमें ओवरसीज़ भेज रहे हैं, उस वक्त आप हमें ज़रूर याद करते हैं, और जब हम अपनी बात करते हैं तब हमें कोई बंदा ना सुन रहा है ना हमें राइट दे रही है। ये है कि हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मशहूर हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ तगड़ो की है, लेकिन कुछ सियासी जमातें, उनके खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन कुछ सियासी जमातें ऐसी हैं जो हमारे वोट के हक को छीनना चाहती हैं। क्यों वजह आप क्या ख्याल करते हैं? शायद उनको ये गलत फहमी है कि ये जो बाहर ओवरसीज़ हैं ये हमें वोट नहीं देंगे। आप उनको देंगे? नहीं नहीं नहीं, हम ओवरसीज़ इतने मतलब काबिल हैं कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जो हकदार हो, मुल्क के लिए बेहतर करे, जो मुल्क के लिए बेहतर होगी, ना कि अपने ज़ाती मुफाद के लिए काम करेगी, जो मुल्क के लिए बेहतरी करेगी हम उसको वोट देंगे, ये इन लोगों को पता है, इसलिए ये हमारे रास्ते में हमारे बुनियादी हकूक के दरमियान टांगे अड़ा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान को बने 70 साल से ज़्यादा हो गया, आपको ये अचानक क्यों इस चीज़ का अंदर जोश पैदा हुआ? बस जब वो यही इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा हमें आगाही हासिल हुई है, और हमने देखा कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत दिवालिया हो रहा है, बस अल्लाह ने हमें सोच दी और सोच अता की है, और हम इस तरफ गामजन हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।